हमारा उदाहरण 18 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस एक बटा टी तथा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी की पावर 2 प्लस एक बटा टी की पावर 2, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 है। अब देखो यहां हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस एक बटा टी मिला है और यहां मिला है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस एक बटा टी स्क्वायर। हम सबसे पहले टी को एलिमिनेट करेंगे, टी का विलोपन करेंगे। अब बीजगणित से हम जानते हैं कि टी माइनस एक बटा टी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग करें तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस एक बटा टी स्क्वायर माइनस दो इंटू टी इंटू एक बटा टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी के बराबर होता है। टी से ये टी कैंसिल हो गया अर्थात ये मान आता है टी स्क्वायर प्लस एक बटा टी स्क्वायर माइनस दो की। अब टी माइनस एक बटा टी ये यहां हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, तो हम यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस एक बटा टी का मान होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक बटा टी का स्क्वायर अर्थात एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 हमारा एज इट इज नीचे आ गया। तो इसमें अब हम क्या पाते हैं कि टी एलिमिनेट हो गया है, टी का विलोपन हो गया है। अब हम इसको सरल करें तो सरल करने से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करें तो ए की पावर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर किसके हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, वाई की पावर 4 से वाई की पावर 4 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 2, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, पूरे समीकरण में हम 2 का भाग लगा सकते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हो गया माइनस 1 के। हमने ये प्राप्त कर लिया x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर है माइनस 1। अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो हमने क्या प्राप्त कर लिया है, हमने प्राप्त कर लिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है माइनस 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यू इंटू वी का रूप है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन अर्थात 2y dy बाई dx प्लस दूसरा फलन लिखें वाई स्क्वायर पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x बराबर है माइनस 1 का अवकलन आ गया आंसर 0। पूरे समीकरण में हम 2y का भाग लगा सकते हैं तो समीकरण में 2y का भाग लगाने पर क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, हम बल्कि 2xy का भाग लगा सकते हैं, हम पूरे समीकरण में 2xy का भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस यहां क्या मिल जाएगा 2xy का भाग लगाया तो प्लस का y बराबर 0। ये हमें प्राप्त होता है जो हमें यहां सिद्ध करना है, इति सिद्ध।